तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर में सेव एस पासवर्ड को ऑफ कैसे करें, है ना। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप उसे ऑन रखते हैं सेव एस पासवर्ड को, तो यहाँ पर आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, अगर आप सेव एस पासवर्ड को आप ऑन रखते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में, तो वहाँ पर वो जो है ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगा, है ना। किसी को कोई भी पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती अगर यहाँ पर सेव एस पासवर्ड ऑन है तो, है ना। तो उसे ऑफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे अमेजॉन जो है फ्लिपकार्ट है ना और फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके, अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हैं सेव एस पासवर्ड को, तो इसके लिए चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक आने के बाद सबसे पहले यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ओपन किया है। उसके बाद आपको सेव एस पासवर्ड को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर कोने में थ्री डॉट देखने को मिलेगा, आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है सेटिंग, आपको सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर आते ही आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है गूगल पासवर्ड मैनेजर, आपको कर देना है इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नीचे देखने को मिलेगा, है ना। तब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग, आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑफर टू सेव पासवर्ड, आपको यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर ऑफ करने से क्या होगा कि आपके फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम से कोई भी बंदा छेड़खानी नहीं कर सकता जब तक कि वो पासवर्ड नहीं डालेगा, है ना। तो अभी तक यहाँ पर होता क्या था कि कोई भी पासवर्ड नहीं डालता था, वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अमेजॉन एप्लीकेशन ओपन हो जाता था और कोई भी उससे छेड़खानी कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा जब तक कि वो पासवर्ड नहीं डालता है ना। तो इसी तरह से आप गूगल क्रोम ब्राउजर में सेव एस पासवर्ड को ओपन कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।